जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण पापा कुंसा एकादशी की जय हो। आप सभी भक्तों को भक्ति सागर चैनल में स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना भक्त लोग। कब है पापा कुंसा एकादशी? जाने सही तिथि शुभ मुहूर्त पारण का समय और महत्व। साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही अश्वन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पापा कुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण असमझ है कि आखिरी किस दिन रखा जाएगा पापा कुंसा एकादशी व्रत। आइए जानते हैं पापा कुंसा एकादशी की शुभ तारीख। अश्वन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदैया तिथि के अनुसार पापा कुंसा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापा कुंसा एकादशी व्रत रखा जा सकता है। पापा कुंसा एकादशी 2024 का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:47 से लेकर दोपहर 12:07 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 13 अक्टूबर सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। पापा कुंसा एकादशी पारण का समय 14 अक्टूबर को पारण का समय 1:17 से 3:35 पारण तिथि के दिन हर वासर समाप्त होने का समय 11:55 तक रहेगा। 15 अक्टूबर को एकादशी के लिए पारण का समय 6:23 से लेकर 8:41 तक रहेगा। पापा कुंसा एकादशी का महत्व। पापा कुंसा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि पापा कुंसा एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से व्यक्ति बच जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। जय श्रीमन्नारायण। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। राधे राधे। जय श्री राम।